ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना। 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली के भीकेपुर के पास की है घटना। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा बताया जा रहा है। ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हुई है। नीचे उतरने के लिए कट भूल जाने के बाद गलत साइड से बस लेकर जा रहा था बस चालक। गलत साइड से आने की वजह से ट्रक से भिड़ंत हो गई। कानपुर के एक शराब व्यवसायी की बेटी की शादी में शामिल होने आगरा जा रहे थे सभी बस सवार। अजीतमल कोतवाली के भीकेपुर के पास की है घटना। कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोग घायल, लगभग 1 दर्जन रेफर किए गए हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारू निगम घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल का निरीक्षण करने पहुंची। ये इटावा कानपुर के बीच में पड़ता है। वहाँ से एक पवन सिंह वर्मा जो की सुनार है, उनकी चकेरी के रहने वाले हैं, कानपुर से अपनी बेटी की शादी करने के सब लोग आगरा जा रहे थे। बस में 35 लोग थे। इनका जो लोग घायल नहीं है उनमें से जब पूछताछ की गई उन्होंने बताया कि जो बुंदेलखंड के रास्ते इनको आगरा की तरफ निकलना था, लेकिन ड्राइवर जो है कट मिस कर गया तो वो उल्टा चलने लगा। तो ये उल्टा आ रहा था और एक ट्रेलर है जो कि जिसमें कई कल्टीवेटर लदे थे वो इटावा की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहा था। तो ये उल्टा आते समय ट्रेलर ने ब्रेक लगाया, लेकिन जो बस है वो एक कोने से जो है इसके चपेट में आ गई। काफ़ी लंबी दूरी तक ये बस घिसड़ते हुए गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस ने सभी जो रेस्क्यू टीम है हमको बुला लिया। एम्बुलेंसेज भी आ गई। मौके से लगभग 21 लोग घायल हैं, अभी सबका प्राथमिक उपचार हो रहा है। 10 लोग अभी तक रेफर किए जा चुके हैं क्योंकि ये लोग कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर को भी अग्रिम सूचना कर दी है। मुस्लिम लोगों को हैलट रेफर किया जा रहा है, वहाँ पे भी तैयारी रखी जाएगी। अभी तक फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं है और उतना घायल कोई नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन जो चोटें हैं वो गंभीर प्रतीत हो रही है। तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको शीघ्र से शीघ्र हम हायर सेंटर पहुँचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।